दोबारा एंड यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मॉरिसन की 24 ग्रेड्स पेंसिल्स का, एंड ये कुछ आपको पड़ जाते हैं 300 रुपए की। तो मुझे भी बताइए कितनी अच्छी होने वाली कितनी खराब होने वाली, अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी जज नहीं किया है अपनी तरफ से। इसमें आपको मिल जाता है बहुत खतरनाक ग्रेडिएशन जो कि है 9H से लेकर 14B तक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनियाँ शुरू हुई थी वो थी फेवर कैसल एंड अपनी स्टेडलर। तो आपको तो पता ही होगा स्टेडलर ने तो पूरे मार्केट को कॉन्करर करके बैठी हुई है, एंड स्टेडलर ही मेरा पहला प्यार है। ये सबसे मस्त पेंसिल्स लगती है मुझे, इसमें सिर्फ 6 ग्रेड आ जाते हैं जो कि काफ़ी कुछ उखाड़ सकते हैं, एंड ये आप खुले में भी ले सकते हो। जैसे अगर आप किसी बड़े आर्ट स्टोर में जाते हो तो आप वहाँ पे जैसे आपको सिर्फ 3 ही ग्रेड्स चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सो आप सिर्फ 3 ग्रेड ले सकते हो इसका, HB 4B एंड 8B। ये 3 ग्रेड्स ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड अभी तक मैंने इनसे कुछ भी नहीं टेस्टिंग करी, अभी तक इनको शार्प भी नहीं करा है आपके साथ, अभी मैं इसको शार्प करके देखूंगा। प्लस इसकी जो 14B है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई कैसी होगी वो, क्योंकि मेरा उसको मतलब अंदर से ना वो उठ रहा है भाई क्या होगी 14B, तो मैंने आज तक नहीं देखी, तो चलिए देखते हैं। प्लस यहाँ पे है मेरी कुछ पेंसिल्स का सेट जो कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने अप्सरा यूज़ करी जो कि मैं इसको कंप्लेंट नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया पेंसिल्स हैं एंड 50 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेंगी। प्लस ये मैंने 1 ईयर तक चलाई, उसके बाद मैंने ये जो है हेयर में काफ़ी सारे 10Bs लग जाती थी, तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला चारकोल के लिए जो कि इसने भी मेरा बहुत ज़्यादा मदद किया है। देन उसके बाद बेनियो आई ना जब, तो इसने तो भाई पूरे मतलब चारकोल स्केचेस को हिला के रख दिया, बहुत ज़्यादा खतरनाक निकली है बेनियो की पेंसिल्स। एंड इसके मेरे पास 2 बॉक्सेज हैं जो कि एक एक्सट्रीम सॉफ्ट का एंड एक सॉफ्ट वाला है। देन आई मेरी फेवर कैसल जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, सच कह रहा हूँ उतनी खास नहीं है ये, अगर कोई स्टार्टिंग करे ये हमें 50 रुपीज़ की ही मिलेगी पर उतनी खास नहीं है, कुछ इससे अच्छी कैमलिन की पेंसिल्स होती हैं। देन जब मेरे पास थोड़े अच्छे खासे मैंने सेविंग्स करी, उससे मैंने ली मार्स लूमोग्राफ जो कि मेरी सबसे बेस्ट परचेज रही। अभी थोड़ी सी पेंसिल्स इधर उधर हो रखी है, तो जैसे एक यहाँ पे रखी हुई है एंड एक यहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग रखता हूँ थोड़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी मार्स लूमोग्राफ ब्लैक जो कि मैंने काफ़ी कम यूज़ करी है, इनसे उतना काम नहीं होता क्योंकि कार्बन पेंसिल्स हैं एंड कार्बन हम अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते, तो काफ़ी कम जगह पर यूज़ होती है। पर 8B इसकी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ओवर किल है। तो अब देखते हैं अपने इन वाली पेंसिल्स को, एंड हम मैं यहाँ पे एक शीट भी लेके आ गया हूँ, इसके ऊपर टेस्ट कर दें जल्दी से एंड इन पेंसिल को खोल के देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे इतनी सारी मेरे पास पेंसिल्स हैं पर मैं इतनी सारी तो यूज़ करने नहीं वाला हूँ, तो हम इसमें से कुछ चूज़ करते हैं जल्दी से पेंसिल्स को जो जो मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो सबसे लाइटेस्ट ग्रेड है वो है हमारे पास अभी एफ जो है वो सबसे लाइटेस्ट है इसमें, तो हम अभी एफ को शार्प करके देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं इसको शार्प करके देखना चाहता हूँ कि इसकी वुड कितनी हार्ड और कितनी सॉफ्ट है। वुड तो ठीक ठाक है, सॉफ्ट उतनी भी सॉफ्ट नहीं है एंड काफ़ी स्प्रूस वुड है जो है मुझे लग रही है देखने में, एंड बहुत ज़्यादा हाँ ये तो पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईजिली शार्प हो जा रही है। तो ऐसे तो मैंने वुड को टेस्ट कर लिया, अब मैं शार्पनर से इसको शार्प करके देखता हूँ। है तो ऐसे शार्प पर अप्सरा वाले से कुछ और ही शार्पनेस आएगी निकल के। एक बार मैं आपको जो है अपनी स्टैंडर्ड की वुड कंपैरिजन करके दिखाऊंगा बाद में, ओके। तो ऐसी कुछ ही शार्प हुई है देखिए, ओके। इसके साथ तो मैं रिस्क लेऊंगा ही नहीं क्योंकि ये 14 भी है तो आराम से टूटेगी, तो इसको मैं थोड़ा छी लेता हूँ ऐसे, हम शार्प करते हैं ताकि आराम से शार्प हो जाए। कितने मक्खन जैसी छाप होगी आराम से, देखिए एफ को मैं चेक करता हूँ। अरे भाया ये क्या है, एफ इतना डार्क हो रहा है ना, अरे फ्रेम ही नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा जो एफ है ना वो शेड इतना डार्क चल रहा है ना, यहाँ पे जो एफ शेड है वो मेरी HB के बराबर चल रहा है भाया, बहुत डार्क है। फोर्टीन बीतने हैं तो मेरा मन जीत लिया है बिल्कुल अच्छे से, एंड बाकी ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम इससे एक टेस्ट आर्ट वर्क बना के देखने वाले हैं जो कि है अपना ये वाला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना।
बहुत ज्यादा शॉकिंग लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक इमेज बनी है, साइड में फोटो डाल दूंगा आपके लिए। प्लस इसकी जो ग्रेड्स है ना वो डार्कनेस में तो फाड़ू है, एंड एफ जो इसका ग्रेड है वो मुझे सबसे अच्छा लगा ब्लेंडिंग में खासकर। एंड जिस जिसको इसकी बाय लिंक चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों की, क्योंकि गाइज ये मुझे ना आर्टिस्ट मतलब बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट पेंसिल्स लगी जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं। एंड 24 शेड्स हैं गाइज, बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं इसकी एक पेंसिल का कंपेरिजन करूँ तो 24 तो इसकी जो हमें मैं मैथ लगा के आ चुका हूँ, एंड इसकी हमें जो एक पेंसिल है वो पड़ी कुछ 12.5 रुपीज़ की, तो काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। जब आपको 10 रुपये में एक इतनी खास पेंसिल्स मिल रही हैं तो आप क्यों ना लें, इसको अपॉर्चुनिटी को जरूर हाथ से जाने मत दीजिए, एंड अभी खरीद सकते हैं आप ये पेंसिल्स। एंड कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट से जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आप मुझे कमेंट से जो लिख के बताना मैं इसका कंपेरिजन किसके साथ करूँ अगली वीडियो में, स्टैडलर के साथ या इन सब के साथ, तो ये मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। एंड जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। Thank you so much for watching.